Good morning, children. Good morning. Good morning, everybody. Good morning. आपको कल कैसे कहते हैं ये सब आपको याद है? आज थोड़ा अलग से अलग का विषय जानते हैं. ओके, कल के लेसन आपको सीखे और याद किया है समझकर आगे क्लास में जा रही हूँ. आगे क्लास में क्या है, क्या नया विषय है आप थोड़ा दिल में एक बेकरारी हो रहे हैं मुझे पता. चलो आप हमें जीवन निभाने के लिए छत, बारिश से बचने के लिए छत, हाँ गर्मी से बचने के लिए छत, ठंड से बचने के लिए दीवार है ना. हमें शटर कहते हैं विंटर सीजन में, और गर्मी सीजन में छाता पकड़ते हैं, और क्या रेनी सीजन में भी छाता पकड़ते हैं, है ना. हमें जीने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, देखभाल करने के लिए माता पिता है, एक परिवार है. हम वास्तव में हाउस है ना, ऐसे ही पशु पक्षियों का भी अपना ही एक कैसे वासन करते हैं, अपने लिए क्या है उनके लिए, क्या कैसे जीवन करते हैं, कैसे और बारिश से और हरारत से वैसा वा सीजन में रेनी सीजन में विंटर सीजन में कैसे वो बच सकते हैं, उनके लिए क्या क्या है जीवन करने. अब मैं तो वासन जीवित करने के लिए वास करने के लिए घर है वो, लेकिन वो पशु पक्षियों के लिए वास करने के लिए क्या है, उनका भी क्या कुछ ना कुछ होता है ना, उनका भी आज घरों के बारे में जानते हैं. ओके चल, आज हम पशु पक्षियों के घर क्या है, होम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. ओके, पशु पक्षियों के घर. ओके है ना चिंतन, हमें वास करने के लिए घर है, लेकिन ये पशु पक्षी का एक वास करने के लिए क्या है देखेंगे. उनका भी घर होते हैं ना, वो घर क्या पाते हैं, क्या वो कैसे बनते हैं. हम तो ईटी सीमेंट और पानी मिट्टी छत के लिए हवेली और ऊंट का तीन से भी जाते हैं. ये पशु पक्षी कैसे बन लेते हैं, उनके लिए मुने बोलने के लिए क्या कैसे दिमाग को समय उपयोग करके उनका घर कैसे बन लेते हैं हम देख कर आएंगे. चेकअप 34 पेज नंबर होम्स ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स. चलो, मैं बंदर हूँ, मैं तो पेड़ों पर रहता हूँ. आई एम ए मंकी. I am a lion. I
और एक बार पढ़ूंगी, जाने का रहता है ऐसा रहता है, एक नेस्ट ऐसा।
भी एक लेकर उसकी चोंच में लाकर ये पेड़ के ऊपर या छत के नीचे ये सभी बनता है। एक दाने दानों और एक चावल ऐसे चीजों को खाता है ये अपने एक अंडा रखकर वो बच्चे को पालता है। ओके ये है ना बहुत सारे बच्चों को पैदा करता है। ये है ना पेड़ों के ऊपर रहता है ये छोटे छोटे ग्रासों को पीस ऑफ ग्रास और पीस ऑफ डे ड्राई वुडन पीस ऐसे लाकर उसका नेस्ट को बना देता है। ओके और बर्डों का बहुत सुंदर से ये नेस्ट अपना घर बना लेता है। ओके नेक्स्ट है नेक्स्ट कौन सा है थर्ड वन हरी ग्रास को खाता है और पानी पीता है। ये छोटे बच्चों को बहुत चाट कर अपना प्यार बताता है। ये घर के बाहर जो छत से बाहर हुआ एक कोटी बनाते हैं उसे क्या शेड भी कहते हैं। ये गो पालतू जानवर है ये तो ग्रास ड्राई ग्रास भी खाता है और उपयोग करता है सभी ये उपयोगी जानवर है। ओके नेक्स्ट क्यों नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या घोड़ा घोड़ा हॉर्स हॉर्स घोड़ा बैठता नहीं ये सोने का भी खड़कर और खाना खाने का भी खड़कर और ये ग्रास खाता है। ये रन में भागने में ये बहुत तेज है ये बहुत जोर से भागता है। ये मनुष्यों के लिए उपयोग है और युद्ध के लिए ये उपयोग करते हैं। अश्वदल में भी ये बहुत फेमस है ये दौड़ने के लिए और बुद्धिमान भी है बहुत चालाक भी है। भागने के लिए ये बहुत तेज भागता है। ओके नेक्स्ट है क्या लायन क्या कहते हैं शेर कहते हैं इसे क्या कहते हैं शेर ये जंगल का किंग है ना। एक इसमें देखो एक मेडल मीन्स एक बहुत पत्थर के बना इसमें एक छोटे गुहे रहता है उसे क्या कहते हैं गुफा ये क्या कहते हैं गुफा कहते हैं। इसमें ये रहता है ये घने जंगल में रहता है ये बहुत किससे भी डरता नहीं ये इसमें और बहुत
कोई किसी भी डरता नहीं। छोटे मोटे प्राणियों के लिए ये आहार से उपयोग करता है। ये चीनी जैसे वन व्हील इसमें रहते हैं। ये बहुत स्ट्रांग और बहुत तेज भी रहता है। ये मांसाहारी है। ओके चिल्ड्रंस, ये है ना, और एक बार ये है ना, बंदर पेड़ पर रहता है, पेड़ पर ही सोता है, पेड़ ही इसका घर है। ये खाने के लिए हरे पत्ता, फल, फूल, खनिया सभी खाता है, नारियल खाता है, सभी खाने का चीजों को खाता है। ये चिल्ड्रंस बंदर है। ओके इसका घर है पेड़। नेक्स्ट चिड़िया, चिड़िया तिनकों के सर बने घोंसले में रहता है। ये नेस्ट को बनाने का फीसा ग्रास में बनती है और रही उड़क उड़न फीसों में भी ये घोंसले को बना लेती है, नेस्ट को बना लेते हैं, इसे स्टार्स कहते हैं। ये खाने बहुत सारे बच्चों को अंडे के ऊपर रखने के लिए ये चौड़े भी बनाते हैं, लंबे भी घोंसले बना लेती है। ये बहुत छोटी, बड़ों में ही छोटी है, बरसने में ये बहुत चौड़ा भी बनाती है, लंबे भी बना लेती है। ये खाने धाने को खाती है। नेक्स्ट गाय बहुत उपयोगी प्राणी है। ये बहुत अकलमंदी है, ये बहुत साधु प्राणी है। एक ग्रास को खाती है, इसे मानव उपयोग के लिए लेती है। इसका दूध, दही, मीठा, दही घी सभी बना लेते हैं। इससे मीठा बहुत बनते हैं और इसका घर के पास जो ऐसे बनाकर रखती है, उड़न से सेट बनते हैं, लोहे से भी ऐसे बनते हैं। ये घर का पालतू जानवर है। ये इसका घर ही गौशाला है, इसे कौशल भी कहते हैं। ओके नेक्स्ट ये हॉर्स, स्टेबल रहता है, स्टेबल कहता अस्तबल में रहती है, अस्तबल मीन्स स्टेबल, वो स्टेबल रहता है। कभी भी वो सो बैठे नहीं, सो सोने का भी खड़कर सोती है, खाने का भी खड़कर सोती है, भागने में तेज है। ये बहुत पुरानी इतिहास से भी ये औरत के लिए उपयोग करते हैं, अब रेस के लिए उपयोग करते हैं और चटका के लिए भी उपयोग करते हैं। ये बहुत बुद्धिमान है और चतुर भी रहते हैं। ये शेर, शेर मीन्स लायन, ये डेन में रहती है और बहुत बहुत बड़े बड़े पत्थरों के बीच गुफा में रहती है। ये बहुत, ये फॉरेस्ट का किंग भी कहते हैं, बहुत उसका आवाज गर्जन बहुत बड़ा रहता है। अनेक प्राणी पक्षी से डरते हैं। ये जंगल का राजा है, छोटे मोटे प्राणी का आहार के रूप में उपयोग करती है। उसे इसके गर्दन पर केसर रहता है। ओके चिल्ड्रंस, इतना आज के लिए बस। ये कन्नड़ में और एक बार इसका मीनिंग बोलोगे, ये कोती, कोती मरा इंद्र वासस्थल, मरा वे इनके मुख्यवाद स्थल, इनके तनदे आद ಒಂದು ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮರ ಅಥವಾ ಮಹಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊದರೆ ಒಳಗು ಸಹ ಇದು ವಾಸಿಸುತ್ತೆ. ಇದರ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜಾತಿಯ ಎಲೆಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಹೂಗಳು, ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವ್ಯಾರೋ ಉಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಇದು ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಎಂತ ಹುಲ್ಲು, ಹುಲ್ಲುಗಳ ಕಡ್ಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಇದು ತನ್ನ ಗೂಡನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಈ ಗೂಡಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದರ ಆಹಾರ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು, ಅಕ್ಕಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ತನ್ನ ಪಕ್ಷಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಸು, ಹಸು ಬಹಳ ಉಪಯೋಗವಾದ ಪ್ರಾಣಿ. ಇದು ಮಾನವನಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಮರದ ದಿಬ್ಬೆಗಳಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಸಿಸಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಕುವ ಪ್ರಾಣಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಹಾರ ಹುಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳನ್ನು ನೆಕ್ಕಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಹಾಲಿನ ತರತರವಾದ ಮಿಠಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ಬೋದು. ಇದು ತುಂಬ ಉಪಯೋಗಿ ಜಾನವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕುದುರೆ, ಇದನ್ನು
ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಕಟ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಾಲುಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಬಾದಿಗಳಿಂದ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮಲಗಲ್ಲ, ಮಲಗದಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ ಮಲಗತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡಾಗ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಇದು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಯುದ್ಧದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಹ ಕಾಲಿನ ರಾಜ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇಸರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂದಲುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಗರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಆಹಾರವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಚಿತ್ರ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಳಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಚಂದ್ರ, ಆ ಚಿನ್ನ ಹಿಬಸ್ ಕಲ್ಕೆಗೆ ಅವರೇಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಿ ಚಲೋ ಏ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಘರೋಕ್ಕೆ ಬಾರೆ ಜಾನ್ಕಾರಿ ಪಾಯೆ ಹೇ ಏ दो एक दो तीन बार पढ़कर याद करो. ओके चलो, आज के लिए इतना ही बस. थैंक यू.